थोड़ा पास आ जाओ, तो कपल हो तो कपल तो पास पास अच्छे लगते हैं। ठंडी सड़क पे एक दुकान है जहाँ पे घर जैसी बिरयानी बनाई जाती है, तो MBA मार्केटिंग वाला बंदा देख लो प्याज काट रहा है। तो मैं अक्सर यहाँ से खा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा इनकी प्रिपरेशन है, मटन बिरयानी तो बहुत अच्छा बना। तो हम अभी है जी हल्द्वानी में एक्चुअली जिस होटल में हम रुके हुए थे, रात को जब हमने फूड मेन्यू मांगा तो उन्होंने हमें बताया कि हम खाना सिर्फ वेज सर्व करते हैं, दाल चावल। तो दाल चावल खाने का मन था नहीं, मैंने कहा बिरयानी खाने का मन है भाई, कहाँ बढ़िया मिलेगी। उन्होंने हमें बताया ठंडी सड़क पे एक दुकान है जहाँ पे घर जैसी बिरयानी बनाई जाती है। तो हम पहुँच गए ठंडी सड़क पे। जहाँ तक मुझे पता चला ये किचन पहले इनकी मदर चलाते थे, मनमोहन कौर नैनी जी, अब उनके बच्चे संभाल रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आपको उनके सेटअप पे। क्या हाल है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आप थोड़ा थोड़ा पास आ जाओ, तो कपल हो तो कपल तो पास पास अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों का नाम बताओ पहले। मेरा नाम गुरप्रीत है जी। क्या बात है, बहुत क्यूट कपल हो आप। मतलब ये किचन आप ही हैंडल कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब शुरू से आप ही हैंडल कर रहे हैं? शुरू से सर, मदर मेरे हैंडल कर रही थी। अच्छा, तो सारा उनका सेटअप सब उन्हीं का ही है, बिरयानी भी उन्हीं की, रेसिपीज भी सब उन्हीं का है, आइडिया सब उन्हीं की है। अच्छा, मदर अब नहीं करते? मदर अब वो सब कोविड में, वो एक्सपायर हो गए थे, फर्स्ट लॉकडाउन पे एक्सपायर हो गए थे। हमारी शादी के जस्ट 5 months प्रायर ही, साढ़े तीन महीने। अच्छा, ये सेटअप उन्हीं का लगाया? सारा सेटअप उन्हीं का ही है। जो आपने नाम दिया है घर दी बिरयानी, जी जी, वो मम्मी बनाया करते थे, लेके जाए जा रहे हैं उनका ही सेटअप आगे लेके जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी हुई जान के कि जो मदर का एक सपना था लोगों को घर जैसा खाना खिलाने का, उसको आपने कायम रखा हुआ है। जी, तो मम्मी ने बहुरानी को सारी रेसिपी बता दी? सब 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 सब। सच्ची झूठ बोल रहे हो आप? क्या बनाओगे सोनाली जी? चलो तो मटन बिरयानी की रेसिपी आपको दिखाते हैं जी। मटन बिरयानी शुरू करते हैं। तेज पत्ता। ये गया जी जीरा। और मटन के अलावा कौन कौन सी होती है बिरयानी? वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी। ये गया जी साढ़े खड़े मसाले। हाँ जी, सारे खुद ही पीस देने। खुद ही पीसते हो? हाँ जी, जैसे गरम मसाला काली मिर्च भी होती है, वो हम घर पे खुद ही पीसते। ये पेस्ट आ गया। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, लो जी मेन आइटम आ गई जी आपके मटन के पीसेस। हाँ जी। तो मटन को एक वेसल लगवा के रखते हैं और उसी पानी के अंदर बिरयानी बनेगी। जो वेसल लगा पीस साइज आप देख लो, बिल्कुल मटन की क्वालिटी देख लो, चापे बड़ी बड़ी है, माल पूरा है ऊपर जी। कोर्स किया आपने पहले क्या कहीं? नहीं, MBA मार्केटिंग वाला बंदा देख लो प्याज काट रहा है, किस्मत कहाँ लेके जाती है। तो पैशन फॉलो कर रहे हो, मम्मी का ड्रीम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आज प्याज भी काटने पड़ रहे हैं। मम्मी ने जो हमको सिखाया है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होंगे मसाले, आपने एक कुछ ऑयल पे गए थे, कुछ चिकन जब मटन डाला था तो मटन के ऊपर अलग से डाले गए हैं, जैसे खड़े मसाले के अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट आता है वो काली मिर्च कहते थे। बट हमने, आपने देखा काली मिर्च हमने लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि हर मसाले की एक हीटिंग इंटेंसिटी जो होती है वो बड़ी अलग होती है। मदर कहते थे कि किसी भी मसाले को अगर आप टाइम से पहले डाल दोगे तो उसका जो फ्लेवर है वो खराब होने का पूरा पूरा डर रहता है। इसीलिए एक लाइन बाय लाइन अगर कोई चीज अगर आप डालते हो तो उसका जो फ्लेवर होता है और यही टेक्निक होती है। नॉनवेज में या पंजाबी खाने में प्याज ना जाए तो मजा नहीं आता। वीर जी आपने तो रेसिपी बता दी पूरी। कोई नहीं सर, ऐसा कुछ रेसिपी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, हम तो कह रहे ये भी सब प्यार है सर। ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी, मतलब कोई ऐसा लोभ नहीं है कि रेसिपी के ऊपर है, रेसिपी कोई भी यूज कर। चलो जब इसमें क्या जाएगा, चावल अपना? अब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फिर चावल, राइस जाएंगे हम लोग। चावल की बिल्कुल मार निकाल के जी, चावल भिगा के रखते हैं, चावल की मार निकाल के तब चावल डालते हैं। 20 मिनट लग जाएंगे बनने में ना। लो जी मटन बिरयानी तैयार है जी हमारी। आहा हा, देखे क्या फ्लेवर आया निकल के, क्या बात है, ऑलमोस्ट रेडी है जी मटन बिरयानी। मसाला पूरा ही, मसाले वाली बिरयानी होगी मतलब हमारी। हाँ जी। क्या बात है, खुशबू तो बहुत बढ़िया आई है। मटन बिरयानी तैयार है जी हमारी, तो पूरा प्यार डाला गया है इसमें, मम्मी का प्यार भी डाला गया, मम्मी की रेसिपी के साथ। चाप है, नली भी है, क्या बात है। पीसेस देखो, मिक्स भी है और पीसेस भरे हुए हैं, आप देखो सारे, मतलब ऐसा नहीं छोटे छोटे पीसेस हो।
साथ में चटनी देते हो बस खाली आप? रायता भी देते। रायता देते। रायता आपने बताया, रायता अपना रहता है अनलिमिटेड, जितना मर्जी लो अनलिमिटेड रायता है खाने के साथ। और गर्मी में देख लो आप, गर्मी में रायते से बढ़िया क्या इंग्रेडिएंट होगा? रायता अनलिमिटेड। और गर्मी कम करो आप, रायते की थिकनेस देखिए, मटन से गर्मी बढ़ेगी और रायते से ठंडी करो थोड़ी सी। ये अभी हमारी प्लेट ऑन वेट लाइट ऑन पेट, कहते हैं जी बहुत लाइट चावल होते हैं डॉक्टर साहब, सही बोल रहे हैं? ये डॉक्टर साहब बड़ी देर से वेट कर रहे थे मटन वाली बिरयानी की, मटन बिरयानी बनेगी तो वो खाऊंगा। तो मैं इवनिंग शिफ्ट में यहाँ आता हूँ, रेगुलर आते हैं, रेगुलर आ रहा हूँ, तो मैं अक्सर यहाँ से खा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा इनकी प्रिपरेशन है और मटन बिरयानी तो बहुत अच्छा बना रहा। तो हर बार स्वाद आपको एक जैसा ही लगा? हाँ, मतलब बढ़िया लगा मुझे हर बार। चलो जी, ये जेन्युइन फीडबैक है किसी क्लाइंट का जो रेगुलर आ रहे हैं। तो चलो जी, हम भी एक बार ले लेते हैं जायका। ये मटन देख लो आप कितना सॉफ्ट है। लो जी, ऐसे ही निकल गया मटन। मक्खन वाक्य में लाइट ऑन वेट लाइट ऑन पेट। तो ये मटन बिरयानी का जायका हमने लिया था घर की बिरयानी, जो चला रहे हैं एक कपल, स्मॉल बिजनेस कहूँगा मैं, मशक्कत कर रहे हैं बट खाना अच्छा खिला रहे हैं। आप भी आइए और बताइए हमें कैसा लगा आपको यहाँ का स्वाद। तो मैं मिलूंगा आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कल्चर।